सभी साथियों को सुदेश कुमार आर्या की तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। और साथियों, मैं एक बहुजन समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता और सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं और शेयर और इनवाइट कर दें, क्योंकि मेरे इसमें फेसबुक ने कई दिनों से लगभग एक महीने के लिए शेयर का जो ऑप्शन था वो ब्लॉक कर रखा है। तो आप जितने भी बहुजन समाज और जितने भी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उन सभी से मेरा करवद निवेदन है कि इसको शेयर इनवाइट कर दें। और क्योंकि मैं जिस मसले पे आया हूँ, वो मैंने अपने टैक्स भी किया हुआ है कि ईवीएम के मुद्दे पे लगातार मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। लगभग 2-2.5-3 साल से लगातार इस पर मैं बड़े स्तर प्रोटेस्ट भी करता रहा हूँ। तो साथियों, मैं ईवीएम के मुद्दे पर आप सभी के सामने लाए हूँ, जिस तरह से आज ये घटना जो एक बड़े इंटरनेशनल मीडिया ने उठाई है, तो आप सभी साथियों से मेरा विशेषकर अनुरोध है कि आप सभी लोग इस लाइव को शेयर और इनवाइट कर दें, जिससे ये बात लोगों तक जाए। और क्योंकि बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूँगा, आज का जो संजीदा जो इशू है, संवैधानिक इशू है, उस पर हम लोग अपनी बात रखने के लिए आपके सामने समक्ष हैं, प्रस्तुत हैं। तो साथियों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि भारत एक जो लोकतांत्रिक देश है, भारत में जो सरकारों का स्थापना जो होती है वो चुनाव द्वारा होती है। वो चुनाव का प्रक्रिया पहले बैलेट पेपर से होती थी, और जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, देश की टेक्नोलॉजी व्यवस्था आगे बढ़ी, तो देश ने ईवीएम जैसे यंत्र को चुनाव प्रणाली में प्रयोग किया। साथियों, मैं अब बात रखूंगा ईवीएम और ईवीएम के जुड़े हुए मसले पर, क्योंकि बहुत बड़ी गंभीर चिंता की बात है और हम लोगों को चिंतित होना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। क्योंकि आप चुने हुए देश में रह रहे हैं, चुनाव प्रणाली लोकतंत्र व्यवस्था में वाले देश में रह रहे हैं, ऐसे देश में रह रहे हैं जो संविधान आपके महापुरुषों ने, आपके पूर्वजों ने बनाया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम ने बना के दिया था देश को। और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये देश सबको समानता के साथ लेके चले, सबको एक साथ अधिकार सत्ता में स्थापित होने का अधिकार मिले। पर 70 साल में आप सभी हम लोग देखें कि सत्ताओं का जिस तरह से हस्तांतरण हुआ है, वो एक पूंजीवाद से दूसरे पूंजीवाद की तरफ गया है। तो साथियों, आपसे फिर पुनः अनुरोध करूंगा, शेयर और इनवाइट कर दें आज एक, क्योंकि हम लोग लगातार 2.5-3 साल से, आज 2017 में जब बहन जी ने बड़े स्तर पर इस मुद्दे को उठाया था 11 मार्च 2017 को, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चोरी हुई है और चोरी हो सकती है, क्योंकि बड़े आयाम पर लोगों के वोट एक तरफा नहीं जा सकते हैं, और ख़ासकर ऐसे राज्यों में जहाँ जिन लोगों का वोट ही नहीं है और उनकी सीटें इतनी बड़ी तादाद में निकलती हैं। तो साथियों, ये उस समय बहन जी ने 2017 में 11 मार्च को इस मुद्दे को उठाया था। इससे पहले भी तमाम लोग इस ईवीएम जैसी प्रणाली पर लगातार आवाज़ उठाते रहे, सभी लोग आवाज़ उठाते रहे कि ईवीएम जैसी जो प्रणाली है चुनाव आयोग की, ये दूषित है, ये पूरे विश्व में अनएक्सेप्टेड है, कहीं भी स्वीकार नहीं हुई है। जो ऐसे देश जो डेवलप देश हैं, मैंने कई बार इन देशों का नाम भी लिया, अमेरिका, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और तमाम विकसित देश, जो देश टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं, पर वो देश कहीं भी ईवीएम का यूज नहीं करते हैं। तो साथियों, हम लोग इस मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं। ईवीएम जो एक सिस्टम है भारत की प्रणाली में चुनाव आयोग का, वो देखा जाए तो मनमानी करने का जरिया बन चुका है सरकारों का। हम लगातार दिल्ली के आसपास जो भी हमें क्षेत्र मिले, तमाम जागरूकता अभियान ईवीएम के खिलाफ चलाते रहे, हमारे साथी जो हमसे जुड़े हुए थे उस समय, और उन्होंने कई प्रोटेस्ट भी दिल्ली में किए, दिल्ली के आसपास बहुत सारे प्रोटेस्ट किए ईवीएम को लेके, इलेक्शन कमीशन के समक्ष दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को लेके। हम लोगों की ये मांग थी कि भारत के संविधान की एक पीठ है, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, उसको दुरुस्त और उसको स्पष्ट किया जाए और उसको पारदर्शी बनाया जाए। साथियों, इसको लेके हम लोग बार बार प्रोटेस्ट करते रहे, और हमारी माननीय जो नेता थी, उन्होंने बार बार इस पर आवाज़ उठाई है। बहुत सारे सर्वदलीय बैठकों ने भी इस चुनाव आयोग को इस बात के लिए संज्ञान में लेने के बात कही कि इसको ईवीएम के मुद्दे को, ईवीएम के मसले को सॉल्व किया जाए और देश में बैलेट पेपर प्रणाली लाई जाए। इसके अलावा बहुत सारे और जो राजनीतिक दल से, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को बड़े गंभीरता से उठाया था,
और भी कई क्षेत्रीय दल थे उत्तर प्रदेश दिल्ली के और कई राज्यों के, उन्होंने भी ईवीएम के मसले को बड़ी गंभीरता से उठाया और कहा कि इस ईवीएम के सिस्टम को बंद किया जाए। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग और जो पूरी प्रणाली है आरएसएस की, वो नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म हो या उससे चुनाव ना हो। वो चाहते हैं इससे ही चुनाव हो, क्योंकि उनको पता है इस यंत्र में कहीं ना कहीं उनको सेटिंग या कोई भी कोई कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करके, वो बदलाव करके इस सत्ता में दोबारा आ सकते हैं, और पहले हुआ भी है। क्योंकि साथियों, ये चुनाव आयोग जो है, आज आप देखो 3 लोगों इसमें बॉडी है, वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने डेमोक्रेसी टाइप का एक सिस्टम बना रखा है कि एक बंदा कुछ और कहता, दो कुछ और कहते, दो की बात मानी जाती है। तो साथियों, ये ईवीएम जो आज हम लोग, मैं इस मसले पे आया हूँ, ये इसलिए हम लोग लगातार इस पे बात उठा रहे थे, और आज इंटरनेशनली इस बात को बहुत बड़ी आयाम पर मीडिया ने उठाया, इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया। मैं भारत की मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत की मीडिया आपके इस तरह की कोई भी चीज़ों को सामने नहीं लाती है। वो पूंजीवादी मीडिया, जो सामंतीवादी ब्राह्मणवादी मीडिया, जो आरएसएस और पूंजीवादी और जो उनके जो धन्ना सेठ है, उनकी मीडिया है, वो आपकी बात नहीं करती है। आपके समाज के जो अहित होता है, जो अत्याचार होता है, उस पर भी आपकी बात नहीं रखती है। तो आप सोचिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की जो सिस्टम बनाया हुआ है आरएसएस ने, बीजेपी ने अपने तरफ खींचने के लिए, उसकी तो बात रखेगी। लेकिन मैं इस बात का साधुवाद करता हूं इंटरनेशनल मीडिया का, जिन्होंने इस प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और पूरे विश्व में इस बात को लोगों तक पहुंचाया कि जो भारत की जो ईवीएम है, जो मशीन है, वो हैक हो सकती है, हैक हुई है, और पहले भी कई बार हैक हुई है। 2014 में बाकायदा इस बात को उन्होंने पुष्टि की है, वहाँ के इंजीनियर साइंटिस्टों ने, हैकर्स ने, कि 2014 में जो ईवीएम था वो हैक हुआ है। मतलब 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो पूरी तरह लोकतांत्रिक सरकार है, वो सरकार जो ईवीएम के चोरी से बनी है। साथियों, मैं फिर बताऊं, ये सरकार जो आई है वो 2014 में वो लोकतंत्र की हत्या करके आई है, और 2015 का भी जिक्र हुआ है, 2016, 17, 18 का भी जिक्र हुआ है, जो सरकारें स्थापित हुई कांग्रेस और बीजेपी की, ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक हैं, जिसमें पूरी तरह संविधान की जो ऊपर पार्टी है उसको बेदखल किया है इन्होंने, और अपनी आरएसएस नागपुरिया संविधान को उन्होंने लागू किया है। साथियों, ये बहुत गंभीर मसला है, इसको हम लोग बड़े पैमाने पहले भी उठाते रहे और लगातार हम इस पर आवाज़ उठाते रहे और अब आगे भी उठाएंगे, और आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आप, हम सभी लोग वोट और राजनीति की बात करते हैं, सत्ता स्थापित हो करने की बात करते हैं, हम अपने जो महापुरुष हैं उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब तक सत्ता और ये हमारी स्थापित नहीं होगी, जब तक हम लोग कहीं ना कहीं संगठित होकर इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या चुनाव आयोग के खिलाफ संवैधानिक आंदोलन या प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। संवैधानिक, मैं बात कर रहा हूँ बार बार, संवैधानिक प्रोटेस्ट, क्योंकि संविधान हमें इस बात का राइट देता है। जिस तरह से उन्होंने, आपने देखा होगा, पूरी तरह पीसी वहाँ पे जो पर्सनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बाकायदा खुलासे किए, और इससे पहले भी हरिप्रसाद नाम के इंजीनियर थे, उन्होंने भी बाकायदा खुलासा किया था, और भी बहुत सारे इंजीनियर्स, उन्होंने खुलासा किया था कि भारत की और किसी भी देश की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो ईवीएम है वो सुरक्षित नहीं है। तो साथियों, क्योंकि आप, हम सभी को एक बात समझ लेना चाहिए, भारत की लोकतंत्र व्यवस्था में जो सत्ता को स्थापित करने वाली जो चुनाव आयोग है, वो अनुच्छेद 15 भाग 15 संविधान के एक पार्ट है, और उस भाग 15 का अगर आप संविधान की बात करते तो उस पार्ट की भी आप बात करोगे, संविधान में ही वो निकला हुआ। तो संविधान अगर सुरक्षित है तो लोकतंत्र सुरक्षित है, और लोकतंत्र सुरक्षित है तो संविधान सुरक्षित है। तो भाग 15 में साफ साफ लिखा है, अनुच्छेद 324 से 329 तक आपके विशेषाधिकार है, मताधिकार युग में जो प्रणाली है कि चुनाव, अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है कि जो वोटर वोट देता है, वोट डालता है, उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो ये जाने कि वोट किसको दिया, वोट कहाँ गया, और वोट किसे देना चाहता है उसकी इच्छा है। लेकिन आज की डेट में जो चुनाव आयोग था, ईवीएम से जो चुनाव कराता आ रहा 20 साल से, आप सिर्फ टू करके बटन दबा के आ जाते थे, आपको नहीं पता था आपने जिसे वोट दिया वोट वहीं गया या किसी और को गया। बहुत सारे लोगों को दबाव, हम सभी के आंदोलन और इस तरह की आक्रोशित प्रोटेस्ट के बावजूद, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के कहने पर या विपक्ष के थोड़े खड़े होने पर वीवीपैट का यूज की बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से ये बात कही गई, और कुछ जगह भी वीवीपैट का यूज हुआ।
हम लोगों ने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश में पीछे अभी चुनाव जो हुआ तो वीवीपैट की जो पर्चियों की काउंटेशन हुई तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी कि किस तरह वीवीपैट की पर्चियां ना गिनी जाए। फिर भी कहीं गए कुछ जगह जब वहां पे लोग अड़ गए तो वो वीवीपैट की भी पर्चियां गिनी गई तो उसमें धांधली की जाए उसको भी उन्होंने नहीं कर पाया। पूरी रात उसकी काउंटेशन चली जो पर्चियों की, मतलब उसको ये साबित करने के लिए कि पर्चियां भी बड़ा लेट काउंट होगी तो बड़ा लेट इसका रिजल्ट आएगा, मतलब इसे दुष्प्रचारित करने के लिए उन्होंने इस तरह का रात तक उसका खेल खेला। साथियों ये जो वीवीपैट है कहीं ना कहीं ये भी ये पूरी तरह मैनिपुलेट ना कर लें। और ईवीएम का जो आज मसला इंग्लैंड में जिस तरह से वहाँ की मीडिया ने उठाया, मैं साधुवाद करता हूँ उस मीडिया का, कोई भारत की मीडिया के भर्त्सना करता हूँ कि आज तक जो मेन मीडिया जो आज तक है, परसों तक है, आईवीएन 18 है और हिंदुस्तान जी हिंदुस्तान है जी न्यूज है, ये सारे चैनल दलाल हैं सरकार के और बीजेपी के। इन चैनलों ने पूरी तरह से ठान लिए कि वो किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता में लाना चाहते हैं। तो आप हम सभी इन चैनलों का तो भरपूर विरोध करें और या तो इनको बायकॉट करें अपने टीवी अपने घरों से और बाकायदा होर्डिंग वोर्डिंग लगाएं कि भाई जो जितने भी मीडिया माफिया जो बैठे हैं चैनलों के माध्यम से जो आपकी बात नहीं रख रहे हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया आपकी इस बात को उठा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह संदेह है। और आप देखिए अभी अभी हमारे वित्त मंत्री जो कि देश का अर्ध बजट आने वाला है जो उनके हाथ में है लेकिन वो इलाज कराने के बहाने मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेटिंग करने ना गए हों ईवीएम की अमेरिका में। इनके कानून मंत्री जो विधि मंत्री होते हैं जिनको देश में आ जाओ उपस्थित होना चाहिए जब बजट के दौरान उस दौरान, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं कहाँ पर विदेश में अपने इलाज कराने के बहाने, ऐसा तो नहीं कहीं वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ डिवाइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र करने के लिए कहीं गए हों, तो ये डाउट है क्योंकि देश के का बजट आने वाला 4 दिन बाद और देश के वित्त मंत्री और देश का कानून मंत्री देश से गायब है, भाग गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ का जो इनका जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसे वहाँ की कोर्ट ने गुजरात के तड़ीपार भी घोषित किया था वो आज अपना इलाज कराने के बहाने कहीं बैठे हुए हैं। तो ये सारे के सारे छुपे धुपे अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह ईवीएम को सेट किया जाए। तो हम बहुजन समाज के जो लोग हैं जो देशवासी जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं साथियों, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन अब जो आने वाला 2019 में सरकार की इन इन जो जो खामियां हैं जो नीतियां हैं जो गलत नीतियां हैं उनका दुष्प्रचार जो उनका प्रचार करें कि सरकार का जो मंशा है वो घटिया है गलत है, इलेक्शन कमीशन इसमें मिला हुआ है और हर चुनाव के बूथ पर वीवीपैट का होना अनिवार्य माना जाए और देखा जाए अगर वीवीपैट नहीं तो वहां पर चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा सारे जितने भी लोग हैं वो उस बात की पुष्टि करेंगे जहां पर वीवीपैट नहीं वहां पर चुनाव ना हो। तो हर बूथ पर वीवीपैट लगा होना चाहिए, हर विधानसभा पे हर जितने भी बूथ हैं हर जगह वीवीपैट होना चाहिए, तभी ये चुनाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में हो या पारदर्शी हो सकता है। तो साथियों मैं इस मसले पर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यही बीजेपी के लोग हैं जो पीछे चुनाव में किस तरह से आपने देखा होगा पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके अलग अलग इनके सुब्रमण्यम स्वामी इनके सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी और जेबीएल जी नरसिम्हा राव और ये अपना क्या अपना इनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा एक स्वामी एक करके हैं जो इनके सांसद हैं, ये तमाम जो सांसद हैं सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट जाके इन्होंने हल्फनामा दिया ईवीएम के खिलाफ, डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम से इन्होंने किताब भी लॉन्च की थी नरसिम्हा राव जेबीएल नरसिम्हा राव जी ने जो इनके राज्यसभा सांसद हैं, ये तमाम जो लोग जो पहले ईवीएम के खिलाफ थे आज उसके पक्षधर हैं। विपक्ष जो लगातार ईवीएम के मसला उठा रहा है इस बात को उठा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से संदेह है कि ईवीएम से इलेक्शन होने पर भारतीय लोकतंत्र दोबारा से हत्या हो सकती है, जैसे 2014 में बाकायदा वहाँ के टीवी चैनल इंग्लैंड में जो वहाँ पे पीसी हुई वहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला कि ये 2014 का जो इलेक्शन था वो पूरी तरह नरेंद्र मोदी ने चोरी करके लोकतंत्र की हत्या करके जीता था। तो साथियों ये सब गंभीर मसले हैं, आप सभी लोग हम लोग चिंतन करिए, घर में बैठने से या ये ख्वाबी पुलाव पकाने से कि बहुजन की सरकार आएगी नहीं आएगी, आप खड़े होइए आवाज लगाइए और लोगों को जगाइए, वोट के लिए जगाइए, वोट को डलवाने के लिए जगाइए। साथियों ये हमारा अकेला सुदेश आर्या का या किसी अन्य लोगों का मुद्दा नहीं है, ये देश की आस्था और देश की संविधान बचाने की ये भरपूर कोशिश होनी चाहिए जब तक आखिरी सांस रहे, नहीं तो इसी तरह आने वाला 2019
ऐसा नहीं कि पहले कत्लेआम नहीं हुआ, पहले हिंसा नहीं हुई, पहले उपद्रव नहीं हुआ बहुजन समाज पर, बहुत ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन तब आप नहीं थे। हमने सिर्फ इतिहास में पढ़ा है, हमने सिर्फ सुना है अपने पूर्वजों द्वारा कैसे अत्याचार होता था। लेकिन 2019 का इलेक्शन अगर इसी प्रणाली से हुआ और हम लोग इसी तरह अगर सत्ता से बेदखल हुए, तो यकीन मानो आपकी और पूरे बहुजन समाज की, देश के 85% वर्ग की वो दुर्दशा होगी जो आप सोच नहीं सकते हो। तो अब अगर इतने बड़े गंभीर मुद्दों पर भी अगर आप आवाज नहीं उठा सकते, तो लानत है आपको बाबा साहब का वंशज कहना लें कि आप सभी को लानत है जो आप लोग कहते हो कि आप मानवर काशीराम जी के संघर्ष के सिपाही बनना चाहते हो, आपको लानत है। आप कहते हो बहन कुमारी मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो आप सभी लोग इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी आवाज बुलंद करिए और ये बताइए उन्हें कि आप जिस तरह से भारत के लोकतंत्र को छलने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अशोभनीय है मोदी सरकार के लिए और आरएसएस के लिए। ये सरकार जो पूरी तरह आमदा है, सिर्फ उसे सिर्फ सत्ता की भूखी है बीजेपी आरएसएस। ये चाहती है किसी तरह देश में जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद व्याप्त हो, लोगों का दिमाग बटे और ये ईवीएम सेटिंग करें। इनके मैं फिर बता रहा हूँ, दो बड़े केंद्रीय मंत्री जो देश के प्रमुख प्रधानमंत्री बाद सेकंड पोजीशन पे आते हैं, वो देश से फरार हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेटिंग करने गए हैं। अरुण जेटली जी अपना इलाज कराने के बहाने देश का कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी गए हुए हैं। इन्होंने बाकायदा पीछे कहा भी था कि ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं इस बात का हमें भय या इस बात का शंका पैदा करती है कि ये लोग कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र को खराब खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो साथियों, मैं इसीलिए इस मुद्दे पर आया हूँ। मुझे किसी भी तरह का भय नहीं है कि राजनीतिक लोग, जो लोग राजनीतिक अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, बहुत सारे मैं जब मैं आंदोलन कर रहा था ईवीएम खिलाफ, मैंने पहले भी अब आज भी आवाज़ इसी के खिलाफ उठाए जा रहा हूं लगातार, कि जो लोगों के साथ मैंने पहले सहयोग करने की बात कही थी, चाहे भीम आर्मी हो चाहे कोई हो, पर उन्होंने इस मुद्दे पर आने को मना कर दिया था। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि जब आप सामाजिक संगठन की बात करते हो, तो सामाजिक संगठन मतलब होता है कि संविधान को रक्षा करना, संविधान की पीठों की रक्षा करना, संविधान में न्याय व्यवस्था में जो न्यायालय को दूषित किया उसके लिए रक्षा करना। ना आप सामाजिक स्तर पर कोई जलसा लेके आ पाए, ना आप संवैधानिक रूप से कोई जलसा लेके आ पाए, तो इस तरह के कोई भी संगठन अगर बनते तो बेबुनियादी है समाज के लिए। क्योंकि हमने खुद जाकर इनसे आग्रह किया था कि आप हम जो ईवीएम खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें शामिल हों और चुनाव आयोग को इस बात के लिए दबाव डालें कि वो वीवीपैट का यूज करें और या फिर ईवीएम से हटा के बैलेट पेपर से भारत में इलेक्शन कराए। पर साथियों, बहुत सारे औषधि संगठन, मैं सभी का नाम लूँ तो वो सारे अपने अपने बस दूर दूर से ढपली बजा रहे हैं। किसी ने भी दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया जैसे हम लोग करते थे, या किसी ने इस तरह से कैडर गाँव गाँव जाके हम लोग जैसे करते थे, वैसे कोई भी कैडर नहीं किया। तो साथियों, गंभीर मसला है, सोच लीजिए, समझ लीजिए करना क्या है, नहीं तो इसी तरह आप बस ख्वाबी पुलाव, ख्वाबी सपने देखते रहिए कि हमने इसे सरकार बनानी है, उसकी सरकार बनानी है। अगर ये दो लोग, ये लोग जो सत्ता में अत्याचारी जो बैठे हुए हैं, जो गरीबों को सताने काम कर रहे हैं, जो बेरोजगारी कर जिन्होंने देश में बढ़ा रखी है, जिन्होंने देश के सैनिकों को बलि चढ़ा रखा है, जिन्होंने किसानों को बलि चढ़ा रखा है, जिन्होंने देश के बहुजन समाज की मजाक बना रखा है, ये इसीलिए है। जिनकी बहन बेटियों के साथ आए दिन दुराचार कर रहे हैं, ये इसीलिए है कि आप हम सभी चुप हैं और इस तरह से जो खबरें आ रही हैं उस पर भी हम लोग बात करने को तैयार नहीं है। आप देखो, बाकायदा पूरी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को उठाया, लेकिन जो जो उनके बीजेपी वाले चैनल हैं वो बाकायदा बस वही चीज़ दिखा रहे हैं, जाति धर्म मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों में देश को बांटे हुए, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन इश्यूज़ हैं, जो जो बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, उन पर बात नहीं कर रहे हैं साथियों। तो आप सभी से मेरा यही करबद्ध निवेदन है, क्योंकि ये जो आज जो बड़ा मसला आया था कि ईवीएम पर जो हैकिंग का जो खुलासा हुआ है इंग्लैंड में, वो बाकायदा वहाँ के साइबर जो हैकर्स हैं उन्होंने बाकी साबित कर दिया कि भारत की जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो हैक की जा चुकी है, पहले भी ही हैक की जा चुकी है, और इस हैकिंग में पूरी तरह भारत की आरएसएस और बीजेपी सरकार शामिल थी, जो पूंजीवादी तंत्र उनका शामिल था, और कहीं ना कहीं 2014 का 2015 का और जो चुनाव थे वो पूरी तरह से हैक किए हुए थे। तो अब आप और हम सब लोग देख लें, इसमें हमारी घर की खबर नहीं है, आपके घर की खबर नहीं है, और ये जो संविधान का मसला है, संविधान को अगर आप विश्वास करते हो, मानते हो,
बाबा साहब के आइडियोलॉजी को मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, बाबा साहब के जो बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप विश्वास करते हो, तो ये जो लोकतंत्र व्यवस्था है जिसमें वोट का अधिकार सभी को है, वोट में ये जानने का अधिकार है वोट आपका कहाँ गया, ये अनुच्छेद 324-26 में आपके इस राइट को बुलंद करता, मजबूत करता कि आपको जानने का अधिकार है। तो वोट एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से आप आज हम लोग बात कर पा रहे हैं या सत्ता में हैं अभी तक, जब हम सत्ता में आए हैं। तो साथियों, इस मसले को गंभीरता से उठाइए। मैं इसी मसले को लेके आया था क्योंकि मैं भी इस मसले से, इस ईवीएम जैसे बड़े राक्षस से काफ़ी दिन तक लड़ा और लड़ रहा हूँ, लगातार अकेला भी लड़ रहा हूँ और कोशिश करता हूँ लोगों को साथ में आवाज़ लेके साथ चलूँ। और आप सभी से गुजारिश करूँगा कि सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज़ को उठाएं, चुपचाप घरों में ना बैठें। हो सकता है कि आपकी आज की चुप्पी आने वाले आपके पीढ़ी, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप साबित हो जाए। तो आप सभी बहुजन समाज के जितने भी तमाम देशवासी हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो, ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और जो सरकार, जो अत्याचारी सरकार है, जिसने आरएसएस और बीजेपी की अत्याचारी सरकार है, जो नागपुरिया सरकार है, जो भारत के संविधान को नहीं मानती है, इन्होंने आपके भारत के संविधान को कानून के सामने जिंदा पैरों तले रौंद के जलाया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने वहां पर मंत्री ने बाकायदा अनाउंस किया था कि हम संविधान बदलने आए हैं। तो अब आप सोच लो कि किस तरफ आप जाना चाहते हो, बड़ी संख्या में घर में बैठना चाहते हो या लोगों का हक अधिकार अपने परिवार, अपने समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए देना चाहते हो। तो लोकतंत्र बचाना है, ईवीएम हटाना है, ये नारा है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए भरपूर और करोड़ों करोड़ों वोट अपने समाज से डलवाना है किसी भी सूरत में। ये 2019 निर्णायक साल है, निर्णायक चुनाव है। अगर ये चुनाव अगर आप लोग चूक गए तो आप मानिए आप गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएं, गुलामी के लिए तैयार हो जाएं। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं साथियों आप सभी से विदा लूंगा। आप सभी से करबद्ध निवेदन ये भी रहेगा कि इसको शेयर इन्वाइट कर दें, अगर मेरे बात में दम लगे, समझ आए, इस बात को सोच सकें तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, इन्वाइट जरूर कर दें जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। सुदेश कुमार आर्या को सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जय भीम, नवोबुद्धाय, धन्यवाद साथियों। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।